हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का हम कार्य करेंगे। और अभी एक फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है, जो सोशो इनकम को लेकर के हमने अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और गमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं तथा कच्चे कर्मचारी, जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक हमने देने की हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। परंतु आपके माध्यम से आज मैं 5 बातें हरियाणा के जनता के सामने पहुंचाना चाहता हूं। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, अडिग रहेंगे, अडिग हैं। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। आज इस फैसले से सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोगों को इन गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों, बिना नौकरी वाले परिवारों, कच्चे कर्मचारियों, विमुक्त जातियों के युवाओं के खिलाफ हैं तो इस पर विचार करें। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, वो इस पर विचार करें, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है। हम इनको अगर जरूरत पड़ी एक विधेयक विधानसभा में ला करके लेकर के आएंगे, ताकि गरीब व्यक्ति के लिए जो अंत्योदय की भावना से हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ दिया है, हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है। तस से मस नहीं होगी, चाहे हमें रिव्यू पिटीशन में जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में विधेयक लेकर के आना पड़े, हम गरीब लोगों के साथ हैं।
परंतु पिछली सरकार के दौरान जो कांग्रेस के लोग आज उन गरीब लोगों के, अगर किसी के परिवार में नौकरी नहीं है, परिवार गरीब है, अनाथ है, माँ बाप नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अगर इस योजना के माध्यम से उस परिवार में अगर दीपक जला है, अगर प्रकाश हुआ है, तो कांग्रेस के लोगों को इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो इतना उत्साहित हो रहे हैं तो ये कांग्रेस के लोग ये गरीब के विरोधी हैं। ये स्पष्ट इनके इस बयानों से दिखाई दे रहा। मैं उनको आईना भी दिखाना चाहता हूं, जो लोग ट्वीट करके बात करते हैं, जो लोग इस फैसले के ऊपर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनकी सरकार में सरकारी नौकरियों लेने के अंदर भाई भतीजावाद एकदम सर उठा करके दिखाई देता था, क्षेत्रवाद जातिवाद का बोलबाला था, ये कांग्रेस की सरकार के अंदर था, नौकरियों की बोली लगती थी। जिनके पास ज्यादा पैसा होता था या जितनी ज्यादा पहुंच होती थी उसी को ही नौकरी मिलती थी। इससे योग्य युवाओं में हताशा और निराशा ये कांग्रेस के समय में युवाओं के अंदर पनप गई थी। युवा पढ़ने के तरफ नहीं, इनके चक्कर काटने में लगा रहता था, माँ बाप भी इनके चक्कर काटने में लगा रहता था, और अपने पड़ोस गांव के लोगों को भी लेकर के इनके चक्कर काटता रहता था कि हमें नौकरी मिल जाए। ये हालात इनके समय के अंदर था। परंतु गरीब व्यक्ति को, जिसके पास पैसा नहीं होता था, बहुत सारा बड़ा वर्ग एक ऐसा था जिसके पास देने के लिए वोट तो थी, परंतु इनके पास उनको देने के लिए नौकरी नहीं थी। किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं था, एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी, क्योंकि पर्ची और खर्ची से नौकरियां लगती थी, नौकरियों की बोलियां लगती थी, गरीब व्यक्ति की पहुंच से नौकरियां दूर थी। परंतु अगर आज हम देखें, हमने योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के 132,000 नौकरियां देने का काम किया है, 132,000। जो लोग ट्वीट करके वाह वाही लूट रहे हैं, उन गरीबों का अपनी सरकार के अंदर तो मजाक करते थे, अगर हमने उनको कहीं गरीब व्यक्ति की हमारी सरकार ने चिंता की है, गरीब व्यक्ति के साथ हमारी सरकार खड़ी है, तो उसको लेकर के भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे युवाओं में आज एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है। वे नौकरी पाने के लिए किसी नेता की दहलीज के ऊपर हाथ नहीं फैलाना पड़ता, आज अपना स्वाभिमान से सर ऊंचा करके मेरा युवा आज हरियाणा सरकार की नौकरी ले रहा है, यह विश्वास जगाया है। पहले तो वो सिफारिश ढूंढते थे और आज लाइब्रेरी ढूंढते हैं। ये अंतर कांग्रेस की सरकार में और हमारी सरकार के अंदर आया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी 7 दिसंबर 2018 को माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के
सामाजिक आर्थिक आधार पर हमने जो 5 अंक दिए थे, जिसका प्रावधान किया था, उसकी सराहना भी की थी, ये हाई कोर्ट ने की थी। मैं बताना चाहूंगा कि हमने अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए कमजोर वर्ग के 5 अतिरिक्त अंक देने की नीति 2018 के अंदर ये हमने बनाई थी, और इस नीति के कारण हजारों गरीब युवाओं तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्की सरकारी नौकरी मिली है। इससे आहत होकर के कांग्रेस द्वारा प्रायोजित भर्ती रोको गैंग समय समय पर इस नीति के रास्ते में रोड़े अटकाता रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। सरकारी नौकरियां देते समय हमने प्रदेश के गरीब परिवारों का भी पूरा ध्यान रखा है। हमारी सरकार गरीब के साथ खड़ी है, इसलिए हमने जिनके परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर 5 अंक देने का प्रावधान किया था। कॉमन पात्रता परीक्षा का पेपर 3 वर्षों के लिए मान्य है, जो हमने पेपर सीईटी का लिया, उस सीईटी के अंदर ये हमारे कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिसको जानकारियां भी अधूरी रहती हैं, और वो एकदम से कोई भी निर्णय आता है, उस निर्णय की जड़ों में जाने की बजाय तुरंत एकदम भ्रम की स्थिति और झूठ फैलाने का काम करता है। और उस व्यक्ति ने, मैं हैरान इस बात से हूँ कि वो बुद्धिजीवी भी बनता है, परंतु किस प्रकार से वो एकदम से उतावला हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार ये अपने गिरेबाह में जा करके देखे अपने समय के कार्यकाल को, जिस कार्यकाल के अंदर वो मंत्री भी रहा है, जिस कार्यकाल में इस विधानसभा का सदस्य भी रहा है। ट्वीट करके सुरजेवाला साहब ने ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि ग्रुप डी में 13,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया, और जिसमें 13,657 कुल पद थे। बिल्कुल ठीक कहा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं उसको बताना चाहता हूं कि 13,50,000 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, 9.5 लाख युवाओं ने पेपर में, उन्होंने सीईटी का पेपर दिया, और 4,20,000 युवा ने क्वालिफाई किया। जो मैंने कहा है कि वो 3 वर्ष के लिए मान्य है, और इस पेपर में कोई भी सोशल इनकम का सवाल ही नहीं है। सीईटी से ही हम अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी सीईटी से, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इसी से उठा करके ही उन बच्चों को रजिस्टर करने का काम करते हैं। ऐसे 11,000 युवाओं ने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है, और उसमें से 2,657 ऐसे बच्चे थे कि जो इस सोशल इनकम के कारण वो ज्वाइन करने थे, परंतु अभी हमने इन बच्चों के रिजल्ट को रोका हुआ था, हमने उनको ज्वाइन नहीं किया।
और 11,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो भ्रम की स्थिति ना भलाए, एकदम ही वो उतावला हो जाता है। अरे अपने गिरेबाह में तो जहां तू पहले, तेरी सरकार क्या काम करती थी, तेरी सरकार के अंदर तो जिसमें तू मंत्री था किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, उसका कोई सिस्टम भी नहीं था। और कोर्ट इनको आईना दिखाने का काम करता था, उन बच्चों को भी बाहर करता था। परंतु आज मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि इन 11,000 बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है, ये मैं कहने के लिए आया हूं। और जहां तक इन्होंने एक और बात की है ग्रुप सी की, ग्रुप सी की भी इसने ट्वीट करके, क्योंकि ये उसकी जानकारी तो इसको होती नहीं है, ऐसी इनके मुखिया है पार्टी के, उसको भी कोई लिख करके दे देता है और वो पढ़ करके बोल देते हैं, सेम पोजीशन इसकी है, ये भी उसको कोई लिख करके देता है, उसको पढ़ देता है, उसकी जानकारी में नहीं जाता। झूठ फैलाना है, क्योंकि DNA के अंदर है झूठ फैलाना, और उसको लेकर के लगातार ये झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं। इन्होंने जो ग्रुप सी की नौकरियों के बारे में भी बात कही है, इसमें 10,000 से अधिक युवाओं ने 2,000 पदों के लिए पेपर दिया, वो भी CET से था। ये CET का दूसरा भाग है, और ये भाग वो है जिसमें टेक्निकल बच्चे आते हैं। और जब इनको बुलाया गया, क्योंकि उसके अंदर 4 times हम बच्चों को बुलाते थे, CET के अंदर हमारे पास इतने बच्चे ही नहीं थे कि वो 4 times हम बुलाएं, ये इसको जानकारी भी नहीं है इस बात की कि हम जितने बच्चे हमें बुलाने थे उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, क्योंकि उसमें कोई JEE है कोई लैब अटेंडेंट, वो टेक्निकल आधार के ऊपर ये भर्तियाँ हैं ग्रुप सी की। और जितने बच्चे इसके अंदर आए उन सब को हमने इंटरव्यू के अंदर शामिल किया, उनका पेपर लिया, और उस पेपर के आधार के ऊपर ही हमने उनको इसके अंदर रजिस्ट किया है। अगर कोई इसके अंदर दिक्कत आती है, ये बच्चे ज़्यादा नहीं है, इनका पेपर ही होगा, इन्हीं में से ही होगा, और यही वो बच्चे हैं, एक भी बच्चे को निकलने की इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, ये भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आज यही कहने के लिए आया हूँ कि ये लोग अपने गिरेबाह में जा करके नहीं देखते, जो हालात इन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की, युवाओं के माँ बाप की, आज अगर गरीब को कोई लाभ सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से किया है, ये हमारा कमिटमेंट है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम गरीब के साथ खड़े हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, हमने चाहे कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन में जाना हो, चाहे हम विधानसभा में लेकर के उसको आए, हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के गरीब के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार वो गरीब के हितैषी सरकार है, अंत्योदय की भावना से हम काम कर रहे हैं, और उस अंत्योदय की भावना के अंदर हमारी सरकार मजबूती से गरीब के साथ है, ये बात मैंने कहनी थी। और उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जो ये भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग वाहवाही लूटने का काम करते हैं। सभी बच्चों को निश्चिंत रूप से वो जहां पर भी हैं वो लगे रहें, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं।